तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना है इसमें अंदर क्या है। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर होगा, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, अज्यूम कर रहे राइट सर्कुलर ही होगा, ठीक है, और जिसका जो हाइट है 2.4 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट। डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। कॉनिकल कैविटी यानी कोन की शेप की कैविटी, यानी उतना कट कर लिया है किसमें से, सॉलिड सिलेंडर के अंदर से, और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो बचा हुआ है। अब मान लीजिए या तो ऊपर की तरफ से हम नीचे की साइड निकाल लें या फिर नीचे की साइड से ऊपर की तरफ निकाल लें, तो बात बराबर ही रहेगी अगर मैं नीचे की साइड से ऊपर निकाल लूं, क्योंकि वो बोल रहा है कि सेम हाइट का और सेम डायमीटर का निकाला है कॉनिकल कैविटी, तो क्या है ऐसे बनेगा वो, ठीक है। ये हमारा ये सेंटर का हो गया, यहां से बिल्कुल खाली हो गया हमारा पूरा, पहले पूरा सॉलिड था ये हमारा, ठीक है, पूरा सॉलिड था ये, भरा पड़ा था ये, और इधर से हमने खाली कर दिया, कॉनिकल शेप में यहां तक हमारा खाली हो गया, ठीक है। अब खाली होने के बाद बाकी भरा हुआ तो ये ही रह जाएगा हमारा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, कह रहा रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लो, यानी जो भी वैल्यू आए तो पॉइंट में आए तो हम नियरेस्ट उसका जो अप्रोक्सीमेशन है होल वैल्यू लिखेंगे हम उसकी। तो जब हम निकाल लेंगे नीचे के साइड से तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है, बाहर का एरिया रह जाएगा सिलेंडर का, और अंदर का जो एरिया होगा उसे टच कर सकते हैं हम सिलेंडर में, ये वाला एरिया यहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया इस कोन का ले लेंगे हम, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, ये कर्व सरफेस एरिया सिर्फ, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का भी ले लेंगे क्योंकि बाहर भी, बाहर टच कर सकते हैं और ऊपर भी टच कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला एरिया भी हम टच कर सकते हैं, तो ये वाला टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर एच मान रहे हैं, ठीक है, वो है 2.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी डायमीटर का आधा, डी बाई टू, 1.4/2। अब जब भी ये वैल्यू आएगी 1.4/2, यानी डेसिमल में वैल्यू है और अब फ्रैक्शन में कुछ है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कि बच्चे करेंगे 0.7 आ जाएगा, तो ये नहीं करना है, तो कैलकुलेशन में आखिरी स्टेप ना बच जाए, ठीक है। अब जो रेडियस है किसका, कोन का, वो भी बराबर है, वो भी 1.4/2 सेंटीमीटर होगा, और हाइट ऑफ जो कोन है वो भी बराबर है, वो भी 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम गिवन लिख लेंगे, और गिवन लिखना बहुत ही जरूरी है, और जो भी फॉर्मूला यूज होता रहेगा वो लिखना पड़ेगा आपको साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये गिवन लिखने के बाद हमें सरफेस एरिया चाहिए किसका, कोन का पहले, ठीक है। तो कोन में क्या क्या चीज होती है, हाइट होती है, रेडियस होती है, और एक स्लांट हाइट भी होती है, ये वाली जो हाइट है तिरछी हाइट, ये स्लांट हाइट हो गई हमारी, और ये बिल्कुल सीधी हाइट जो हो गई वो नॉर्मल हाइट हो गई, एच हो गई, और यहां से यहां तक ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। तो कोन के अंदर हमारे जो एरिया, एरिया ऑफ कोन होता है वो होता है पाई आर एल, किस तरह का, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, पूरी फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको। एल मिसिंग है, एल को निकालने के लिए साइड में लिखेंगे फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट,
तो हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गई 0.7। अब जब स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो अब हम लेना पड़ेगा हमें, तो हम इसे ले लेंगे, तो 2.4 और 2.4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5.76 आ जाएगा, 5.76, और 0.7 को करोगे तो 0.49 आ जाएगा, तो 0.49 ऐड करना है। 9, 6, 15, 1, 12 और ये 625 आ जाता है, तो 6.25 आ जाता है स्क्वायर रूट्स ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा एल का आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जगह नहीं है तो यहां लिख दिया मैंने, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इस सॉलिड का जो बचा हुआ सॉलिड है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पूरा लिखना है आपको, प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल। ठीक है, टॉप सर्कल है, कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का और कर्व्ड सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ कोन पाई आर एल हो गया, एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH हो गया सिलेंडर का, और एरिया ऑफ टॉप सर्कल का हो गया 2πR2। ठीक है, तो अब ये मिटा देता हूं मैं ऊपर का, अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकाला जा सकता है, पाई सब में से कॉमन आ सकता है, आर भी सब में से कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर आ जाएगा एल प्लस 2 और h प्लस पाई कॉमन निकाल लिया, r कॉमन निकाल लिया, तो 2r बच जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, 22 अपॉन में 7 ये 1.4 अपॉन में 2 l आया 2.5, 2h यानी 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस 2r यानी 2 मल्टीप्लाई 1.4 बाय 2। ठीक है, रेडियस थी 1.4 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, अब 7 इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 0.2 अपॉन में 2 रह जाएगा, 2.5 प्लस ये हो जाएगा 4.8 प्लस ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, अब 2 फिर से काटेगा इसको, अगर हम डेसिमल उड़ा दे तो ये 20 बन जाएगा, तो 2 काटेगा इसको तो 10 बच जाएगा, 22 अपॉन में 10 ये हो जाएगा 2.5। अब सबको ऐड करना है, मैं 2.5 प्लस 4.8 प्लस 1.4, ओह सॉरी एक गलती हो गई है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल है ना पाई आर स्क्वायर होगा, 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये काटेगा तो 0.7 हो जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 0.7 को, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 15, 15, 20, 2, 2, 4, 6, 2, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए इसका, 22 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, 22 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दुनी 16, 8 दुनी 16 17, यानी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया हमारा एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया इस रिमेनिंग सॉलिड का। अब यह आया ये पॉइंट के अंदर, हमें बोल रहा था रिमेनिंग जो है वो नियरेस्ट में आना चाहिए, तो नियरेस्ट इसका नियरेस्ट हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला है एक साथ हम लगा लेंगे, उधर ही आंसर में वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन आने रहता है, तो वो हम कॉमन निकाल के आसानी से सॉल्व कर देंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था अलग से निकालने के लिए, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, एक्चुअली में हमें अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।